हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? मैं हूं विष्णु सर और स्वागत है आपका संभव बेच में। सभी को मेरा नमस्कार, नमस्ते। तो संभव बेच में आज हमारी क्लास जो रहेगी वो तीसरी क्लास है। हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर यूनिट और डायमेंशन हमारा चल रहा है, तो उसी के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर। और इसी के साथ ही जिन लोगों ने तैयारी अपनी स्टार्ट नहीं की है वो भी तैयारी करना स्टार्ट कर दे। कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे और कुछ लोग मुझे मैसेज भी कर रहे थे कि सर जब वैकेंसी आए तब हमें बता देना, हम तैयारी करना स्टार्ट करेंगे। अरे भाई, तब तेरे को वक्त मिलेगा क्या? वैकेंसी आएगी, 2-3 महीने बाद में एग्जाम लग जाएंगे लेवल स्टैंड वगैरह के, तो क्या 3-2 महीने आपके लिए सफिशेंट रहेंगे? फिर आपको लगेगा कि काश मैं तैयारी कर लेता, काश मैं शुरू से अपने आप को तैयार कर लेता, काश सर ने मुझे बोला था मैं उस दिन से ही लग जाता। ये काश वर्ड आपकी लाइफ से हटा दीजिए। इसीलिए तो हमारा बेच है संभव बेच, कि आप काश ना सोच के ये सोचे कि संभव है, पॉसिबल है, बस एक कदम उठाने की जरूरत है और मेहनत करना स्टार्ट करने की जरूरत है। धीरे धीरे अपनी आदतें बनाइए, रेगुलरिटीज आती जाएगी लाइफ में, धीरे धीरे आपको मज़ा भी आने लगेगा, धीरे धीरे आप सब समझेंगे भी। और जब तक आपकी वैकेंसी आएगी और आपके पास एग्जाम आएगा, 4-5 महीने तो गुजर जाएंगे, उन 5 महीनों में आप अपने आप को इतना परफेक्ट बना लेंगे कि आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है। आगे मेरी बात समझ में? चलिए आज के गोल्स की बात करते हैं। तो आज के गोल्स में हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, कंसिस्टेंसी ऑफ डायमेंशन, विमीय समघातता का नियम पढ़ेंगे। साथ ही साथ में ये भी पढ़ेंगे कि डायमेंशन यानी विमाएं हमारे लिए किसी इक्वेशन में किस तरीके से इंपॉर्टेंस रखती है, किसी इक्वेशन का पता कैसे लगाया जाए कि ये सही है या गलत है, ठीक है। डायमेंशन को यूज़ कहाँ किया जाए, सिंपली हम ये पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हैं। एक क्लास, सेकेंड और थर्ड क्लास के बीच में थोड़ा गैप आ गया एक दिन का, वो इसलिए आया क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स उठाए जाए, आईआईटी नीट वालों के लिए नीट में आने वाले न्यूमेरिकल्स निकाले जाए, सेकंड ग्रेड और लेबर असिस्टेंट वालों को भी उस लेवल के न्यूमेरिकल्स कराए जाए, एयरफोर्स नेवी एनडीए वालों को भी उस टाइप के न्यूमेरिकल्स कराने पड़ेंगे, यहाँ मैं करवाने वाला हूँ वैसे भी, तो तुम्हें भी कराने पड़ेंगे। सिंपल सी बात है कि जो हमारे लेवल में होते हैं या हमारे लेवल से अच्छे न्यूमेरिकल्स जो होते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, तो हमारे एग्जाम में आने वाले लो लेवल के क्वेश्चंस फटाफट हो जाएंगे और हमें पता भी लगेगा कि किस टाइप के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड किस टाइप से न्यूमेरिकल आता है और हमें किस तरीके से फॉर्मूला लगाना है और न्यूमेरिकल बनाने हैं। प्रॉब्लम यही है, कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला बहुत लोगों को आता भी होगा बट उनसे न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं क्योंकि उन्हें यह नहीं पता है कि किस तरीके से इस कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल का यूज़ करना चाहिए, सॉरी कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले का यूज़ करना चाहिए न्यूमेरिकल में, ठीक है। कभी कभी जीप फिसल जाती है, ठीक है, टंग स्लिप। चलिए इसके अलावा हम बात करेंगे डायमेंशन इक्वेशन बेस्ड ऑन डिफरेंट क्वांटिटीज़। डायमेंशन इक्वेशन विमीय समीकरण कह सकते हैं, डायमेंशन इक्वेशन की बात करेंगे लेकिन उसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज अलग अलग होगी। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर फंडामेंटल क्वांटिटीज तो आपने साथ बताई थी, तो फिर आप अलग अलग पे क्यों बना रहे हैं, अलग अलग से फॉर्मूला क्यों उठा के ला रहे हैं? क्योंकि एग्जाम में कई बार आया हुआ है जहां आपके वो जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने पढ़ी थी, 7 जो हमने मूल राशियां पढ़ी थी, उनके अलावा किसी और क्वांटिटीज को फंडामेंटल मानकर हमसे डायमेंशन फॉर्मूला पूछ लिया जाता है या डायमेंशन इक्वेशन पूछ ली जाती है। आगे मेरी बात समझ? चलिए आगे करेंगे, अभी घुमाओ मत दिमाग, क्या टेंशन मत लो, जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे करते जाएंगे, न्यूमेरिकल भी बताऊंगा, न्यूमेरिकल बनाने का तरीका भी बताऊंगा, बस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है, वीडियो पॉज करना है, नोट्स आपके बकायदा आपको लिखने हैं। आगे मेरी बात समझ में? एक बार नहीं समझ में आता है थोड़ा सा रिवाइंड लेके आप फटाफट उसको आगे निकाल कर दोबारा सुन लीजिए, ठीक है। यदि स्पीड आपको स्लो लग रही है तो आप तेज कर लीजिए, ठीक है। यूट्यूब में सबके पास ऑप्शन होता है वहाँ पे स्पीड बढ़ाने का, ठीक है। बट जो भी पढ़िए ध्यान से पढ़िए, समझने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए भाई आज की बात करते हैं, चलो मज़ा आने वाला है आज, तो दिल थाम के बैठिए, सीट बेल्ट बांध के बैठिए, हिलना नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए, पूरी क्लास लेनी है, बीच में छोड़ना नहीं है। यदि छोड़ दिया, बीच में छोड़ दिया तो मान लो गड़बड़ है, फिर मामला फिर नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए तो हम बात करते हैं, मैं शॉर्टकट में नाम डाल देता हूँ, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन।
कई बुक्स में अलग अलग नाम लिखे हो, तो कई लोग ये मत कहते ना सर हमारी बुक्स में तो ये है ही नहीं है, कोई दूसरा नाम है, है ना, आप क्या पढ़ा रहे हो। ठीक है, समझ जाएंगे आप जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ। वहाँ टॉपिक का नाम नहीं आएगा, आपसे पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में कि भाई उस टॉपिक का नाम क्या था, नहीं पूछेंगे। तुम्हें सवाल दिया जाएगा और तुम्हें पता खुद भी लग जाएगा कि इस सवाल में ये कॉन्सेप्ट लगने वाला है, बस वो कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कंसिस्टेंसी ऑफ डायमेंशन। कई जगह डायमेंशनल कंसिस्टेंसी लिखा हुआ है, तो एक ही बात है यार। ठीक है, और हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं लिख देता हूँ, विमीय समघातता का नियम। ठीक है, चलिए, ये नियम या ये लो जो भी है, ये स्टेटमेंट ये ऐसे कहता है कि भाई आपके पास यदि कोई वैलिड इक्वेशन है, वैलिड इक्वेशन यानी जो सही है, बस आपको पता नहीं होगा कि भाई ये फॉर्मूला सही है क्या नहीं है, बट कोई वैलिड इक्वेशन यदि आपके पास है तो उस वैलिड इक्वेशन में जितनी भी टर्म्स हैं, जितने भी पद हैं, तो जितने भी टर्म्स हैं उन सब की डायमेंशन सेम होगी। यानी मैं ये भी कह सकता हूँ कि कोई भी वैलिड इक्वेशन या इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन तभी वैलिड होगी जब उसकी सभी टर्म्स, सभी पदों की डायमेंशन क्या हो, सेम हो। चलो मैं इधर भी लिख के बता देता हूं। यह कहता है कि ईच टर्म इन इक्वेशन, या वैलिड इक्वेशन लिख देता हूं, वैलिड इक्वेशन हैज सेम डायमेंशन। फॉर्मूला कह सकता हूँ या डायमेंशन भी लिख देता हूँ मैं। कई लोग फॉर्मूला से आते हैं मेरे पास, नहीं मेरे आते हैं कभी कभी कोचिंग में बच्चे के, सर मुझे तो विमीय सूत्र बताओ, तो समझ जाना है इसको, इसलिए डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला, अदरवाइज मैं इसको डायमेंशन भी लिख देता हूँ। कई बार डायमेंशन भी बोल देते हैं, मेरे सर भी कभी कभी डायमेंशन बोल देते थे, हम समझ जाते थे कि है, तो समझ जाना, इस टर्म इन ए वैलिड इक्वेशन हैज सेम डायमेंशन फॉर्मूला। किसी भी इक्वेशन में, किसी भी वैलिड इक्वेशन में, किसी भी समीकरण में जितने पद है उन सभी की विमाएं समान होनी चाहिए, यह है इसकी बात। ठीक है, प्रत्येक समीकरण के, प्रत्येक पद की विमा समान होती है। यदि वो इक्वेशन वैलिड है, यानी वो इक्वेशन यदि सही है, तो उसके प्रत्येक पद की विमा क्या होगी, समान होगी। ठीक है, कैसे, मान लो आपके पास कोई भी इक्वेशन दे रखी है, भैया एक समीकरण दिया होता है जैसे y बराबर ए प्लस बी स्क्वायर, कुछ भी लिख दिया है, एनीथिंग, है ना, अहमत करना ऐसा कौन सा समीकरण है, कुछ भी, तो उसमें दो साइड होती है, एक होती है इस साइड राइट हैंड साइड, एक होती है लेफ्ट हैंड साइड। हो सकता है यहाँ पे x प्लस वाई भी दे रखा हो आपको, तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपकी राइट हैंड साइड है। इसमें भी दो टर्म है, दो पद है भाई, x और y, ये लेफ्ट हैंड साइड में आ रहे हैं, a और b स्क्वायर आपके राइट हैंड साइड में आ रहे हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इस स्टेटमेंट को, यदि मैं ब्रीफली खोल कर लिखूँ तो मैं लिखूँगा यहाँ पर कि डायमेंशन ऑफ इस टर्म इन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू डायमेंशन, और ये मत कहना कि सर ने कैपिटल डी तो लिखा ही नहीं, समझ लेना स्मॉल डी से लिख दिया, डायमेंशन ऑफ ईच टर्म इन राइट हैंड साइड, या ऑफ लिख देता हूँ, इस टर्म ऑफ राइट हैंड साइड इक्वेशन इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ राइट हैंड साइड, समझ लेना यार, डायमेंशन ऑफ ईच टर्म इन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ ईच टर्म इन लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, है ना। तो राइट हैंड साइड में जितनी भी इक्वेशन, जितने भी आपके पास टर्म्स लिखी हुई है, जो भी इक्वेशन है उनमें जितनी भी टर्म्स लिखी हुई है, उन टर्म्स की डायमेंशन या डायमेंशन फॉर्मूला, एक ही बात समझ लेना, मैं फिर कह रहा हूँ, ये मत कहना सर ने डायमेंशन लिखी है तो मुझे केवल पावर पावर पर ध्यान देना है, नहीं, मैं फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, या समझ गए, तो मैं डायमेंशन फॉर्मूला, इस साइड जितने भी चीजें लिखी हुई है, जितने भी आपके पास टर्म्स लिखी है उन सब का सेम होगा, और लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ उनका भी सेम होगा। आ गई मेरी बात समझ में, ठीक है, नहीं आइए मैं एक बार और बता रहा हूं, राइट हैंड साइड में जो भी टर्म्स लिखी हुई है उन सबकी डायमेंशन सेम होगी, उन सबकी विमाएं सेम होगी,
ठीक है, आप कहो तो डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा, मैं कह सकता हूं या वीमीय सूत्र कह सकता हूं, ठीक है। वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी टर्म्स है उनका या उन टर्म्स का भी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, ठीक है। इनका तो होगा जो होगा, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड वालों का भी होगा और राइट हैंड साइड में जितनी है उनका भी होगा, नहीं समझे? राइट हैंड साइड में जितनी है उनका भी डायमेंशन सेम होगा, लेफ्ट हैंड साइड में जितनी है उनका भी डायमेंशन सेम होगा, और इनका जो होगा वही राइट हैंड साइड वालों का भी होगा, लेफ्ट हैंड साइड में जो वही राइट हैंड साइड वालों का भी होगा। शायद हो सकता है थ्योरी में आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको ऐसे बताता हूं, चलिए देखो मैं ऐसे समझाऊं कि आपके पास इक्वेशन है एक्स वाई ए बी स्क्वायर, तो जो डायमेंशन आपकी एक्स की होगी वही डायमेंशन आपकी वाई की भी होगी। मैं इधर लिख देता हूं, जो एक्स की होगी वही वाई की भी होगी, दोनों की भी अलग अलग है, दो अलग अलग टर्म है ना, एक टर्म दो टर्म, तो इन दोनों की भी सेम होगी, साथ ही साथ में जो एक्स की होगी वही ए की भी होगी और वही बी स्क्वायर की भी होगी। तो मैं कह सकता हूं ए के पास जो भी डायमेंशन है, मान लो मैंने ए के पास डायमेंशन मान ली m0 l1 t3 कुछ भी एनीथिंग, ये मत सुनना ये किसका है, एनीथिंग एज एग्जांपल, तो यही डायमेंशन इस बी स्क्वायर की भी होने वाली है, यही डायमेंशन इस y की भी होने वाली है और यही डायमेंशन फॉर्मूला इस x का भी होने वाला है। यानी यदि आपको एक का पता है तो आप पता कर सकते हैं y के बारे में, आप पता कर सकते हैं x के बारे में और आप पता कर सकते हैं बी स्क्वायर के बारे में भी। आगे मेरी बात समझे, देखो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में भी इक्वल है, साथ ही साथ में जो राइट हैंड साइड में जो है और जो लेफ्ट हैंड साइड में जो है उनमें भी इक्वल ही आने वाली है। देखो यहाँ पर ए की जो है वही बी स्क्वायर की भी है, चलो ये तो राइट हैंड साइड का मैटर हो गया, जो ए की है वो इधर भी है यानी वाई की भी है, यानी जो राइट हैंड साइड वाले की है वही लेफ्ट हैंड साइड वाले की है, समझ गए? तो किसी भी इक्वेशन में, किसी भी वैलिड इक्वेशन में डायमेंशन प्रत्येक टर्म की क्या आएगी, सेम आएगी, प्रत्येक टर्म की क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है। चलिए मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, शायद थ्योरी में क्या है कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, बहुत बार समझाता हूँ ना तो कई बार फर्स्ट टाइम में बच्चों को समझ में नहीं आता सर किधर आ गए, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बड़ा खतरनाक सा, आप अभी समझ जाएंगे फटाफट, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल दूंगा, न्यूमेरिकल्स बनने लगेंगे, तुम खुद खुश हो जाओगे और मजा आएगा। देखो मैं एक काम करता हूँ, आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ और वो एग्जाम्पल है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। आपको पता होगा न्यूटन की जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, गति के समीकरण है, ठीक है, उसमें से एक इक्वेशन है ये, ठीक है। यहाँ पे v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, यानी आपके पास होगा अंतिम वेग, ठीक है। u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग, ए यहां पे होता है एसिलरेशन, एसिलरेशन यानी त्वरण, जिन लोगों को नहीं पता होता या हिंदी में पढ़ रहे जो लोग उन्हें इंग्लिश वर्ड्स कम पकड़ में आते, टेक्निकल वर्ड्स कम पकड़ में आते तो उनके लिए मैं ऐसे लिख देता हूं। और टी यहां पर है टाइम। अब क्या किया जाए, हमारे लिए दोनों बराबर है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कोई मायने नहीं रखता है, लैंग्वेज कभी मायने नहीं रखती है, मायने रखता है समझना कॉन्सेप्ट, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं, चलिए। तो यहाँ पर देखो ये v क्या है, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी है, अंतिम वेग वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, ये इसका मात्रक है, ठीक है। प्रारंभिक वेग क्या है भाई, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी की यूनिट भी क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। अरे इनिशियल हो फाइनल हो कोई भी हो, होती तो वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड ही है, ठीक है। चलिए ए यहाँ पर क्या है, एसिलरेशन, त्वरण है, यहाँ पर त्वरण की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, साथ में टाइम है, टाइम की यूनिट क्या होगी सेकंड, और मैं सेकंड को सेकंड से कैंसिल कर देता हूं तो मेरे पास बचता है मीटर पर सेकंड एंड मीटर पर सेकंड। अब यदि मैं इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखूं, वी में सूत्र लिखूं, तो इसकी डायमेंशन कैसे लिखी जाएगी, के जी नहीं है एम जीरो, मीटर यहाँ पर है एल वन, नीचे सेकेंड है, ऊपर जाएगा टी की पावर माइनस वन। वैसे तो देख लेना यूनिट सेम है, मात्रक सेम बन रहे ना तुम्हारे पास, तो डायमेंशन वैसे सेम होने वाली है, तो प्रूफ तो यही हो गया कि देखो प्रत्येक पद ईच टर्म की यूनिट सेम है, प्रत्येक पद का मात्रक सेम आ रहा है यानी उनकी विमाएं भी सेम आएगी, ईच टर्म हैज सेम डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। सभी टर्म्स की डायमेंशन जो आएगी, डायमेंशन फॉर्मूला जो आएगा वो सेम आएगा, ठीक है। आगे चलिए एक बार और लिख के दे देता हूँ, मैं कंप्लीट ही कर देता हूँ इसको, एम जीरो एल वन टी माइनस वन, और यहाँ पे भी लिख देता हूँ m0 l1 t माइनस वन, कंप्लीट है, ये लो देख लो कंप्लीट, क्लियर, सिंपल सी बात है। थ्योरिकली शायद आपको नहीं समझ में आए बट न्यूमेरिकली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है।
बेटा आपको दिमाग में मैथमेटिकली समझ में आना चाहिए, आ भी गया तो खत्म, सवाल खत्म, फटाक से सॉल्व होएगा, फटाक से, ठीक है। चलिए मैं आपको कुछ ऐसा ही एक दो और अच्छी अच्छी चीज़ें बताता हूँ, चलिए समझ में आया। चलिए बात करते हैं, कहानी बस एक बार समझने की है, एक बार समझ में आ गया, एक बार समझ में आ गया उसके बाद तो हम दुनिया जीत लेंगे। एक बार समझ में आ गया फिर हमसे सवाल धनाधन धनाधन सवाल बनेंगे और फिर लगेगा हमको कि अब तो अपुनिच भगवान है ऐसे, है ना। जब सवाल नहीं समझ में आता ना तो हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है बहुत भयंकर, और फिर उसके बाद जब धीरे धीरे कॉन्सेप्ट याद आता है, भाई रटा हुआ है तो नहीं आएगा, क्योंकि रटते ही क्या बन जाओगे तुम, भूला, क्या बनोगे, भूला, क्योंकि वो एक सेकेंड में आप भूल जाओगे थोड़ी देर बाद ही, ठीक है। रटने के बाद तो यही हालत होती है, और यदि आप कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो आपको हर चीज़ समझ में आएगी। बट कभी कभी सवाल ऐसा होता है कि वो आपको पजल्ड कर देता है, दिमाग घुमा देता है, नहीं समझ में आता, फिर उसके बाद लगता है कि अब तो गले में अटक गया है पूरा भाई। और फिर जैसे ही कॉन्सेप्ट याद आता है, जैसे आप कॉन्सेप्ट लगाते हैं, धीरे 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 सवाल बन जाता है, और फिर लगता है कि भाई सवाल देखो कॉन्सेप्ट से कितना क्लियर हो गया, कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है, ठीक है। और फिर लगता है जैसे टक से अपन ने मौत को छू के वापस आ गए अपन, है ना, टक से अपन मौत को छू के वापस आ गए, और लगता है अपुनिच भगवान है, ठीक है। कहानी बात ही ऐसी आती है ना, फीलिंग अंदर से क्या करें, हमारे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाते हैं हम कभी कभी, और फिर ओवर कॉन्फिडेंस में औधे मुँह आके भी गिरते, तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स पे बात करते हैं आज, ठीक है। चलिए एक सवाल दिखाता हूँ मैं आपको, पीएमटी का सवाल है ये शायद, है ना। चलिए 80 प्लस बीटी स्क्वायर, ठीक है, हमें यहाँ पे डायमेंशन चाहिए ए की और बी की, हमें इनका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल के लाना है, ठीक है। पीएमटी 89 का क्वेश्चन है शायद, है ना, जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। चलिए कभी कभी डेट इधर उधर हो जाती है, ये समझ सोच ना सर ने 89 बताया था तो 90 में आया था, कोई बात नहीं, 89 90 की बात आया था लेकिन, ठीक है। चलिए एक्स यहाँ पर डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट कह दो, ठीक है। ए यहाँ पर कांस्टेंट है और बी भी यहाँ पर कांस्टेंट है, मैं इनको कांस्टेंट नाम दे देता हूँ, और यहाँ पर जो टी है वो यहाँ पर टाइम है, और मुझे ए बी की डायमेंशन निकालनी है। तो मेरे को जब पता है कि भाई साहब ये जो डायमेंशन रखेगा वही ये रखेगा, वही ये रखेगा, क्लियर सी बात है, जब इसकी डायमेंशन सेम आएगी इसके इक्वल, तो मैं क्यों ना इन दोनों को बराबर रख दूँ, एक्स इज इक्वल टू 80, भाई डायमेंशनली तो दोनों इक्वल आएंगे, ठीक है। जब दोनों इक्वल आएंगे तो ए इक्वल टू हो जाएगा एक्स अपॉन टी, एक्स की यूनिट होती है मीटर, टी की यूनिट होती है सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m0 l1 t-1, क्लियर, खत्म, कहानी खत्म, खत्म एकदम। जिनको डायमेंशन नहीं आती है, अभी भी डायमेंशन में प्रॉब्लम आ रही है, वो पहले वाले लेक्चर देखे, ढंग से उन्हें समझे, फिर उसके बाद में आगे बढ़े। सवाल आएगा 100% चांसेस बनते हैं कि सवाल आएगा, और यहाँ से बनते भी है सवाल, अब वहाँ से मार्किंग आपको कैसे उठा के लानी है वो आपके ऊपर डिपेंड है। नीट वाले जो है उनको भी समझना है, आईटी वालों को भी समझना है, लेब असिस्टेंट वालों को भी समझना है, और सेकंड ग्रेड वालों को तो समझना ही समझना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, अब आगे बात करते हैं, इसकी बात कर लेते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू, हमको ये पता है भाई ये और ये भी तो दोनों की डायमेंशन सेम है भाई, एक्स की और बी टी स्क्वायर की भी तो डायमेंशन सेम है, तो एक्स इज इक्वल टू मैं लिख देता हूँ बी टी स्क्वायर, और यहाँ पर b की हो जाएगी एक्स टी स्क्वायर, टी स्क्वायर को नीचे डाल दिया, यूनिट लगाना चालू करो, ये आ गया मीटर में, टी स्क्वायर आ गया सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ये तो एक्सीलरेशन है, ये तो त्वरण है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ के जी नहीं है तो m0, मीटर है तो l1, और सेकंड की बात करेंगे तो टी की पावर -2, क्लियर है, कंप्लीट, ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, भाई फटाफट आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सवाल समझ में आ गया होगा, थोड़ा और बड़ा करते हैं इसको, अभी आपको थोड़ा थोड़ा आएगा समझ में, फीलिंग आएगी, फील आना चाहिए भाई, फील आना चाहिए, अभी शायद नहीं आया होगा, ठीक है। जिनको बहुत दिन हो गए फिजिक्स को पढ़े हुए, या जिनका अभी रेगुलरिटी में नहीं है, उनको तो फील नहीं आया है, चलिए फील लाते हैं, अभी थोड़ा सा फील लाते हैं। एफ इज इक्वल टू ए रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर हमें दे रखा है, जहाँ एफ जो है वो है फोर्स, ठीक है, ए और बी तो आपको पता ही होगा भाई कॉन्स्टेंट है, मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ कॉन्स्टेंट, और टी जो है वो यहाँ पर टाइम है, और एक्स जो है वो यहाँ पर डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट समझ लो, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी या विस्थापन है। मुझे चाहिए ए और बी की डायमेंशन,
अभी ध्यान से समझना भाई, एफ यहाँ पे फोर्स है, तो जब मुझे पता है, या मुझे नहीं आपको पता होना चाहिए अब, कि इसकी जो डायमेंशन होगी, इसकी जो यूनिट होगी वो इसकी भी होगी, इसकी जो होगी वो इसकी भी होगी, इन दोनों की भी वही होगी भाई, एफ की जो है वही एक इस वाले की होगी और इसकी भी वही होगी और इन दोनों की भी सेम होगी। तो कहीं से भी आप उठाकर अपना जो भी जुगाड़ बनाना है बना लीजिए। मैं यहाँ से उठा लेता हूँ भाई, एफ इक्वल्स टू ए रूट एक्स, क्लियर सी बात है, मुझे ए चाहिए, मैं लिखूंगा एफ रूट एक्स, हो गई कहानी खत्म। एफ यानी न्यूटन, ये लिख दूंगा मैं रूट एक्स यानी मीटर, रूट मीटर हो गया, ठीक है। न्यूटन मैंने यहाँ पे यूनिट रखी है, ठीक है, न्यूटन को लिख सकते हैं हम के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और रूट में एक मीटर और है यहाँ पर, ठीक है भाई कोई बात नहीं, रूट वाले मीटर की मैं जो पावर है वो बना देता हूँ यहाँ पे 1/2, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर ले जाते हैं, के जी तो यहाँ रह गया, मीटर, मीटर की पावर एक है, ये भी ऊपर चली गई 1, ये ऊपर गई, ये हो गई माइनस का 1/2। एक बार तो मैं ढंग से लिख देता हूँ आराम से, है ना, पूरा खोल कर, और यहाँ लिख देता हूँ मैं सेकेंड स्क्वायर, देन ए इक्वल्स टू के जी को देखो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एम, ये लो इसके ऊपर कुछ नहीं पावर है तो एक ही है तो मैंने लिख दिया एक, एम की पावर देखो, एम को हम डिनोट करेंगे, मीटर को हम लिखते हैं किसे एल से, यहाँ एक पावर है, यहाँ आधी पावर है, एक प्लस की है आधी माइनस की है, तो एक में से आधा चला गया तुम्हारे पास बचा माइनस का आधा, ठीक है। नीचे बता सेकंड, सेकंड ऊपर गया तो टी की पावर माइनस टू हो गया, ये आपकी एक ही डायमेंशन बन के आ गए भाई, ठीक है, ये लो। अब हमें बी की भी चाहिए, किसकी चाहिए, बी की भी चाहिए, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। मैं फिर इसको इसको भी बराबर कर देता हूँ, एफ इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर, तो बी इक्वल हो जाएगा एफ अपॉन टी स्क्वायर, क्लियर सी बात है। एफ को हम लिख सकते हैं के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो हमने पहले भी लिखा है। यहाँ पर आपके पास टी है, समय है, सेकेंड, यानी सेकेंड और सेकेंड के ऊपर पावर है, दो तो मैंने यहाँ पे दो पावर लगा दी। देन बी इक्वल्स टू के जी की डायमेंशन हो जाएगी एम वन, एम यानी मीटर, मीटर को हम लिखेंगे एल से, इसके ऊपर पावर एक है तो मैं लगा देता हूँ एक, सेकेंड सेकेंड आपके पास स्क्वायर स्क्वायर यानी चार पावर बन गई है, चार ऊपर जाएगी, टी की पावर माइनस के फोर हो जाएंगे और ये आपके बी की डायमेंशन हो जाएगी। बना नहीं बना, ये बात देख लेते हैं, एफ एक टू, ठीक है, एक्स डाल दिया नीचे, मीटर डाल दिया और आपका हो गया सॉल्व, ये ऊपर गया आपके पास बना मीटर माइनस वन, क्लियर है, मुझे जहाँ तक लगता है हो गया कंप्लीट, ठीक है। हाँ, इस बात से मेरे को एक बात याद आई, जब मैं पिछला वीडियो बना रहा था तो बनाते बनाते मैंने सब कुछ पढ़ाया तो एकदम से कोई डिस्टर्बेंस हो गया, जिसे मैंने एडिटिंग में काट दिया था, गेट बंद रहता है ना तो कभी कभी हो जाता है, कोई ना कोई गेट बजाई देता है इमरजेंसी कंडीशन में, तो मैंने उसे जब काटा तो मैं रफ कर रहा था तो यहाँ से कुछ मिस्टेकली पावर और एक टर्म गायब हो गई थी, तो मैंने उसको फिर एडिटिंग के अंदर डाला, ठीक है, तो आप उसे वहाँ से ढंग से देख लीजिएगा, ठीक है। माफ़ी चाहता हूँ, कभी कभी वीडियो रिकॉर्डिंग में भी हो जाती है, अब क्या करें, मोबाइल फ़ोन है, हिलता डुलता रहता हूँ तो ये भी थोड़ा सा जूम इन जूम आउट दिखाने लग जाता है, इसके भी भाव बढ़ ही जाते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं भाई, ठीक है, और आगे चलते हैं, बड़ी काम की चीज़ है भाई, ठीक है, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाने वाले सवालों में से है, इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान भी रखना है, थोड़ा सा आपको ध्यान भी रखना है, ठीक है। एक अच्छा सा सवाल और है कि आपके पास पावर है, पावर पी फोर पावर, पावर यानी शक्ति, पावर यानी शक्ति, पावर, पावर का फॉर्मूला दे रखा है बी माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे डाल दिया आपके साथ 80, बी माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 80, आपको ए और बी की डायमेंशन चाहिए, एक्स आपको पता ही होगा, कोई अभी इतनी देर से पढ़ रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, टी यहाँ पे टाइम है, तो हम थोड़ा सा इसको बनाते हैं, पावर को हम लिखते हैं जूल सेकेंड, पावर को लिखते हैं जूल सेकेंड, सही है क्या, जूल पर सेकेंड लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जूल पर सेकेंड लिखते हैं पावर को, सही है क्या। अरे भाई, पावर इज इक्वल होता है वर्क डिवाइड बाय टाइम, कार्य करने की दर, कार्य को लिखेंगे जूल और इसको लिखेंगे सेकेंड, वैसे इसकी यूनिट होती है वाट, आपने पढ़ी होगी वाट, 100 वाट का लट्टू, 100 वाट का बल्ब, 20 वाट की मोटर, पंखा, ये सब तो वो वाट है ना, जूल पर सेकेंड है, जूल को लिखा जाता है न्यूटन मीटर और यहाँ पे आ गया सेकेंड। अब जिनको नहीं पता है वो पहले प्रीवियस लेक्चर देख ले तभी आगे बढ़े, ताकि आपके पिछले कदम सिक्योर होते जाएंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। चलिए भाई, तो मैं इनको थोड़ा अलग अलग कर लेता हूँ, इसका डिवाइड इसके नीचे भी डाल देता हूँ, ऐसे 80 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80 लिख सकता हूँ भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब मैं इतना करने के बाद में आगे करूंगा इस तरीके से कि मुझे डायमेंशन मिले। अब एक चीज़ और, सवाल को थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं, हमें चाहिए ए क्रॉस बी की डायमेंशन,
यानी ए गुणा बी की डायमेंशन चाहिए। आप ए की निकालो, बी की निकालो, गुणा करो, उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आते हैं उसके डायमेंशन निकालिए। ठीक है, अभी सवाल थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, थोड़ा और बढ़ा लिया है हमने स्टैंडर्ड अपना, आ गया दो भाई। तो यहाँ से देखो भाई, ये जो पी की डायमेंशन होगी, पी की जो यूनिट होगी, वही इस टर्म की होगी और वही इस टर्म की होगी। तो इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, पी जी कॉस्ट आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर ए टी। क्लियर है, मुझे ए की चाहिए भाई, किसकी चाहिए, ए की चाहिए। तो ए बराबर हो जाएगा एस स्क्वायर पी टी, ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर को हम लिखेंगे मीटर में तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, एक्स को हम मीटर में लिखेंगे तो मीटर स्क्वायर हो गया ना। पी यहाँ पर है पावर, हम लिख सकते हैं जूल सेकेंड, ठीक है, जूल पर सेकेंड, सॉरी गलती से बोल देता हूँ मैं, जूल पर सेकेंड। और टाइम को हम लिखेंगे सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कट गया। और ए बराबर आपके पास बच जाएगा मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय जूल। आगे मेरी बात समझे, चलिए भाई आगे बात करते हैं। मीटर स्क्वायर को आप मीटर स्क्वायर लिखिए, इसको आप लिखेंगे न्यूटन, न्यूटन मीटर, एक मीटर से एक मीटर भी उठ गया आपके पास। ए बराबर बच गया आपके पास एक मीटर एक न्यूटन। आप सोचोगे सर इतना लंबा कर रहे हैं, अरे मैं लंबा नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक एक स्टेप बता रहा हूँ, क्योंकि कई ऐसे भी लोग हैं जिनका लेवल एकदम जीरो है, हो सकता है कहीं तो जीरो के भी नीचे नेगेटिव लेवल में चल रहे हो, अभी बहुत दिन हो गए होंगे छोड़े हुए। लेव असिस्टेंट वाले जो बायो सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी तो बहुत टाइम हो गई है, सेकंड ग्रेड वालों को बहुत टाइम हो गया, इसलिए मैंने ऐसे किया है। जैसे जैसे आप कैलकुलेशन करेंगे फास्ट फास्ट करना चालू कर देंगे आप ऑटोमेटिक, ठीक है, अभी बताऊंगा तुम्हें फास्ट करने का तरीका भी, ठीक है। चलिए न्यूटन मीटर को मैं यहाँ लिख देता हूँ, न्यूटन को आप समझ लीजिए मीटर के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है, ए बराबर मीटर से मीटर काट दिया, सेकेंड स्क्वायर ऊपर चला जाएगा आपके पास बचा सेकेंड स्क्वायर पर के जी। सिंपल सी बात है, मीटर को आपने लिखा न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर से मीटर कट गया, सेकेंड स्क्वायर ऊपर चला गया। और अब आपको डायमेंशन लिखनी है तो आप लिखेंगे यहाँ पर एम की पावर माइनस एक, क्योंकि के जी ऊपर जाएगा तो माइनस का बनेगा। यहाँ पर एल की पावर जीरो आएगी क्योंकि कोई भी मीटर नाम नहीं है इधर। और यहाँ पर बचा हुआ है सेकेंड, तो सेकेंड की पावर जाएगी टू, और ये आपकी एक यूनिट आ गई है ऑटोमेटिक, ठीक है, एक यूनिट आपकी आ गई है। आप चाहो तो यहाँ तक भी ए को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आप ए और बी, आपको ए इंटू बी आपको चाहिए, ठीक है। चलो भाई बी का भी देखते हैं, बी को मैं इधर लिख देता हूँ फटाफट, है ना, इसमें बना देता हूँ मैं बी में। बी देखो इधर हमारे पास आसान सा है, वैसे ज़्यादा दिक्कत है नहीं, तो क्यों ना मिला जुला रूप लिखा जाए, ठीक है। बी अपॉन ए टी इक्वल तो आपके पास बनेगा पी, तो आपको चाहिए क्या चाहिए, आपको बी चाहिए, तो बी इक्वल तो आप लिखेंगे पी ए टी। सिंपल सी बात है, बी ए टी, ठीक है, कोई बात नहीं, ये लो बी की जगह बी, इसको आप लिखेंगे न्यूटन मीटर डिवाइड बाय सेकेंड। पावर को मैं लिख देता हूँ न्यूटन मीटर बाय सेकेंड। ए मेरे पास पहले से प्रेजेंट आया सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाय के जी, और मेरे पास टी जो है वो खुद सेकेंड में है, ठीक है। मैं न्यूटन को भी लिख देता हूँ खोल कर पूरा, के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो हो गया न्यूटन, फिर एक आ गया मीटर, फिर एक आ गया नीचे सेकेंड, फिर आ गया सेकेंड स्क्वायर बाय के जी इंटू सेकेंड। देखो न्यूटन को लिखा के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर को लिख दिया मीटर, नीचे वाला सेकेंड है सेकेंड में, सेकेंड स्क्वायर पर के जी यहाँ लिख दिया, सेकेंड यहाँ लिख दिया, कटने वाली चीज़ें काट दो, ये सेकेंड और दो तो ये है, एक ये, ये दो और ये एक उठ गए, के जी से के जी उठ गया। और ऑटोमेटिक आपके पास में अब बी जो है बनकर आ गया है, केवल मीटर स्क्वायर बचा है, ये मीटर स्क्वायर आ गया भाई, ये लो, क्लियर सी बात है। बी भी आ गया, ए भी आ गया, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए क्रॉस बी। बड़ा है, थोड़ा लंबा खेद दिया है मैंने इसको, मैंने खींचा है क्योंकि एक एक चीज़ आपको पता लग जाए। ए आपके पास क्या है भाई, सेकेंड स्क्वायर बाय के जी, और बी आपके पास क्या है, मीटर स्क्वायर। अब आप यहाँ डायमेंशन पूरी लिख दीजिए, के जी जब ऊपर जाएगा तो ये बनेगा एम की पावर माइनस एक, मीटर आपके पास पहले है एल टू, और सेकेंड यहाँ पर है तो टी स्क्वायर, ये बन गया आपके डायमेंशन। शुरुआती क्लासेज है, धीरे 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 मैं आपको न्यूमेरिकल जो बताने वाला हूँ, कॉन्सेप्ट तो बताने वाला हूँ, साथ में ट्रिक्स भी देने वाला हूँ। ट्रिक्स समझ लीजिए, और जिन्हें मन बोलेंगे मंत्र, मंत्र क्यों, मंत्र मिल गया तो सिद्धि प्राप्त हो जाती है फिर आदमी को, फिर तो ये मान लो मंत्र दिया काम बना, मंत्र बोला काम बना, लेकिन मंत्र याद होना चाहिए पहली चीज। दूसरी बात, मंत्र याद होने के साथ साथ मंत्र को लगाना भी आना चाहिए, कब बोलना है, कब उसकी ताकत को हमें काम में लेना है, और उसके लिए पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अरे भाई मंत्र इतनी आसानी से नहीं मिलता है। दूसरी बात, मंत्र मिल गया तो तपस्या करनी पड़ती है, तब जाके हमारे अंदर मंत्र को सिद्ध करने की ताकत आती है कि बोला और फटाफट काम हो गया, मंत्र बोला कि काम हो गया, ठीक है। तो ये मेरा थोड़ा सा, मैंने इसको बड़ा बना दिया है, थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या। मैं एक बार बता देता हूँ, मैंने यहाँ पे इसका डिवाइड इसमें दिया, सबसे पहले मैं इसको उठाता हूँ यहाँ से, माइनस माइनस की जरूरत नहीं पड़ेगी साइन की लेने की, तो पी इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए टी आ गया।
ए यहाँ पर ए है, पी को मैंने नीचे पहुँचा दिया, एक्स स्क्वायर को मैंने मीटर स्क्वायर में लिखा, पी जो कि जूल पर सेकंड होता है मैंने जूल पर सेकंड लिखा है यहाँ पर, ठीक है पावर है इसलिए मैंने कॉम्प्लिकेटेड बनाया थोड़ा सवाल को ताकि आपको पता लगे, सेकंड से सेकंड ठीक है सेकंड लिखा, सेकंड से सेकंड का था मेरे पास बता मीटर स्क्वायर पर जूल, मैंने लिखा मीटर स्क्वायर पर जूल को मीटर स्क्वायर लिखा, जूल को हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर, फिर मीटर से मीटर उड़ा दिया, फिर मैंने लिखा एम और एन बच गया मेरे पास, एक मीटर यहाँ का बच गया एक न्यूटन यहाँ का बच गया, मीटर न्यूटन को लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर मीटर से मीटर उड़ाया और मेरे पास बचा सेकंड ऊपर जाने के बाद सेकंड स्क्वायर पर केजी, इसको आप चाहो तो लिखो ना लेने देना एक स्टेप क्योंकि समय भी जरूरी है वहाँ एग्जाम में टाइम कम मिलता है। ये लो फिर मुझे बी चाहिए था, मैंने ये वाली टर्म्स उठा के रखी पी के इक्वल, तो बी अपॉन ए टी बना पी, बी इक्वल टू बन गया यहाँ पे पी ए टी, पी की जगह मैंने लिखा न्यूटन मीटर पर सेकंड जो कि मैं पहले से ही लिख चुका हूँ यहाँ पर, न्यूटन मीटर और एक सेकंड भी लिखूंगा यहाँ पर जूल यानी न्यूटन मीटर और सेकंड ये मैंने यहाँ लिख चुका हूँ। एक की जगह मैंने यहाँ से उठाया सेकंड स्क्वायर पर केजी, ठीक की जगह मैंने सेकंड लिखा, ध्यान से देखना न्यूटन को भी लिख दिया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर की जगह मीटर लिखा सेकंड स्क्वायर लिखा सेकंड लिखा केजी लिखा और काटापिटी चालू कर दी, सेकंड केजी से केजी उड़ गया, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर उड़ गया, एक सेकंड हो गया ये भी उड़ गया मीटर स्क्वायर बच गया। मुझे ए इंटू बी चाहिए था, मैंने यहाँ पे ए इंटू बी लिख दिया, एस स्क्वायर अपॉन के जी सेकेंड स्क्वायर पर के जी यहाँ पर एक ही डायमेंशन एक ही यूनिट है, बी जो आया उसकी यूनिट मेरे पास मीटर स्क्वायर आई है, मैंने यहाँ से डायमेंशन बना ली एम माइनस वन एल टू टी टू टी टू, ठीक है टी टू बन गया भाई। देखो ये मैंने बता दी है आपको, ये है कॉन्सेप्ट, मंत्र बाद में दूंगा अभी नहीं दूंगा, एक बार पहले इस टाइप के सभी सवाल हम कर ले ताकि हमें पता रहे कि किस टाइप का सवाल आता है। थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, नीट के एग्जाम की बात करते हैं, इस बार नीट के पेपर का जो सवाल है वो बात करते हैं, ठीक है अच्छा सवाल है उसके बारे में भी थोड़ी सी बात क्यों ना की जाए, जिन जिन से मुझे लगता है कि बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं वो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। नीट का सवाल आया था इस साल का 2019 का सवाल है, 2019 थोड़ी है 2021 का सवाल है, अभी लगा ना जो नीट थोड़े दिन पहले ही लगा था, 2022 आ गए तो 2021 का सवाल है। ई यदि आपको दे रखी है डोनेट एनर्जी, अभी मुझे नहीं पता किसने किसको डोनेट कर दी बट मुझे एनर्जी पता है कि ऊर्जा है, और जी आपको दे रखा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी गुरुत्वीय नियतांक, कई लोगों को पता नहीं है तो गुरुत्वीय नियतांक मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नियतांक, ठीक है चलो राइटिंग पर मत जाना भाई, ठीक है तो मुझे डायमेंशन चाहिए थी ई अपॉन जी के, चार नंबर का सवाल है नेट का सवाल है, चलिए बात करते हैं। कहीं कहेंगे आसान सा दिया है, अरे भाई अभी हमने टॉपिक ही आसान पढ़े हैं तो उन्हीं से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बता रहा हूँ कि एग्जाम में कैसे आते हैं। एनर्जी, एनर्जी की यूनिट होती है जूल, ठीक है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, आपको ने एफ का फॉर्मूला पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा मैं उनको बता देता हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है ये एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। यहाँ से जी की वैल्यू में निकालना चाहूँ तो मैं इसको लिखता हूँ न्यूटन में, इसको लिखता हूँ मीटर में, तो मीटर स्क्वायर ये हमारे पास हो गया के जी स्क्वायर, और मैं यहाँ पे लिखूंगा तो जी इक्वल टू आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। मैं इस तरीके से आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि कोई फॉर्मूला आपको याद है तो आप वहाँ से यूनिट निकाल सके, ठीक है भाई यहाँ चालू करते हैं ई बाई जी पे आते हैं, ई बाई जी आप यदि ई की बात करेंगे तो ई लिखी जाएगी आपकी जूल में, और जूल को साथ में हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर, जूल को लिख सकते हैं न्यूटन मीटर, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ न्यूटन मीटर। जी मेरे का देखो यहाँ पर पहले से मैंने ले लिया है न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय के जी स्क्वायर, ठीक है न्यूटन मीटर से न्यूटन मीटर उड़ गया के जी ऊपर गया बना के जी स्क्वायर, नीचे एक मीटर बचा है देखो न्यूटन मीटर, न्यूटन से न्यूटन उड़ा मीटर में, यहाँ पर दो है यहाँ एक है, एक उड़ गया एक बच गया, और मेरे पास डायमेंशन आगे से थी एम स्क्वायर क्योंकि के जी से को हम लिखते हैं एम से, यहाँ पे स्क्वायर तो एम स्क्वायर, मीटर है ऊपर जाएगा एल की पावर माइनस एक और टी की पावर ऑटोमेटिक हो जाएगी जीरो। क्लियर सवाल समझ में आया आगे ना, ऐसा तरह का आसान सवाल है, चार नंबर का सवाल है, सोचो यार नीट का ये सवाल भी आपको नहीं आया तो फिर क्या मतलब है, ठीक है इस तरीके से हम होमोजेनिटी प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं, ठीक है चलिए भाई थोड़ा सा और आगे ले लेते हैं फटाफट, मेरे हिसाब से टाइम थोड़ा लंबा खींचेगा कोई बात नहीं, एक और सवाल ले लेते हैं। y इक्वल्स तो आपको दे रखा है a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। अब कई लोग कहेंगे कि यहाँ पे सर ऐसा सवाल क्यों लिया है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज होते हैं, बहुत सारे 100 में से 80% तो इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने लिया है। और मुझे चाहिए k की डायमेंशन, क्या चाहिए k की डायमेंशन, ठीक है चलो एक बात करते हैं भाई आगे। चलिए ये जो साइन है ना इसके आगे जितनी भी चीज़ें ना ये एंगल है, कोण है, क्या है कोण, यानी असलियत में ये के एक्स कोई कोण ही है जिसका नाम है थीटा, ले लेता हूँ मैं कोई भी थीटा फाई कुछ भी,
और इसकी डायमेंशन होती है जीरो। क्या होती है? जीरो। कोई यूनिट नहीं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एम जीरो एल जीरो टी जीरो। भाई एंगल की तो कोई यूनिट होती नहीं ना। अरे पहले वाली पिछली वाली क्लास को रिवाइज करो यार, उसमें देखो। मैंने इसीलिए आपके लिए लिंक के जो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन है वहाँ लिंक दे रखा है, मैंने संभव बेच का भी दे रखा है आपको और टेलीग्राम का भी लिंक दे रखा है। आप अब ज्वाइन तो आप ही को करना पड़ेगा ना, देखना तो आप ही को पड़ेगा ना भाई, मैं थोड़ी देखने आऊँगा उधर। देखो उधर जाके, उधर सब कुछ है, ठीक है। मैं केवल मेहनत करके आपके लिए ला सकता हूँ, एक जादुई पिटारा ला सकता हूँ, जिस पिटारे को आप खोलो अंदर से जिन निकले, कॉन्सेप्ट वाला चीज वो आए और आप उसे यूज कर लो, काम करवा लो। लेकिन आप कोई भी काम करवाने से पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तभी तो कॉन्सेप्ट से काम करवा पाओगे, वरना कहाँ से आएगा, ठीक है। ऐसे पढ़ने से, वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है, जल्दी जल्दी करने से नहीं होता है। दो मिनट देखिए और आपने निकल गए, देख लेंगे बाद में, देख लेंगे बाद में, कुछ नहीं होता भाई, बाद में बाद का ही रहता है बस, ठीक है। जो आज नहीं हो सका वो जिंदगी में आगे भी नहीं कर सकते तुम, क्योंकि बाद का तो कोई टाइम ही नहीं है ना भाई, ठीक है। मुझे के की डायमेंशन चाहिए एम जीरो एल जीरो टी जीरो और नीचे मैंने डाल दिया x। तो के इक्वल टू आपके पास x, x यहाँ पर क्या है, x यहाँ पर है मीटर, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, मैं यहाँ मीटर डाल देता हूँ। तो मैं ले गया मीटर 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 यानी एल वन। अरे भाई x की डायमेंशन क्या होगी, मीटर मीटर को किससे लिखोगे, एल से तो लिखोगे, ठीक है। ये वो मीटर में समझ लेना एम वाला, x की यूनिट, x की यूनिट क्या होगी मीटर, मीटर को आप लिख देंगे l से, ऊपर पहुंचा दो, ये हो गया m जीरो l माइनस वन टी जीरो, काम खत्म। इतनी माथा पुची करने की जरूरत ही नहीं है, क्लियर सी बात है, समझ गए, कोई दिक्कत है, याद रहेगा, ठीक है भाई। चलिए आगे चल जाते हैं, कहाँ दिक्कत है। चलिए एक और दो सवाल और करवाता हूँ तुम्हें अच्छे अच्छे से। ये ज़्यादातर अच्छा सवाल है, IIT में भी आया हुआ है, 97 का भी है पहले और बाद में भी आ चुका है दोबारा, और भी मैंने एक बुक में देखा था, वहाँ पता नहीं कौन कौन से एग्जाम थे इसलिए मैंने लिखा ही नहीं उसे। पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी, वांडरवाल इक्वेशन है, ठीक है। चलिए एक मिनट और मैं देख लेता हूँ, और एक दो सवाल है, वो दिमाग से निकल ही जाते हैं ना मेरे पास है, कहाँ लिखा था मैंने इसको, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वो सवाल एक मिनट इसमें नहीं है मेरे पास, एक उसमें लिखा था मैंने, देखो एक सेकेंड, ठीक है भाई, और ठीक है देख लिया मैंने, ठीक है, भूल जाता हूँ, दिमाग से निकल जाते हैं सवाल, ठीक है। कौन सा आपको करवाना है, सवाल तो बहुत सारे लिखे हैं लेकिन करवाना कौन सा वो मायने रखता है, ठीक है। चलिए तो इसमें अपन को ए और बी का चाहिए, ए और बी कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर बड़ा अच्छा सवाल है, खूबसूरत सा सवाल है, खूबसूरत कैसे मतलब, वो फेरन लवली नहीं रहे, कोई फेरन लवली नहीं, कोई फेरन हैंडसम नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। यहाँ पर जो भी है सवाल खूबसूरत इसलिए अच्छा सवाल है, अधिकतर बार कई स्टूडेंट्स एक बार में बनता नहीं है इसलिए मैंने इसको लिया, ठीक है। चलिए इसको खोलते आ गया, तो एक इक्वेशन बनाऊँ, इक्वेशन बनाने के लिए आपको पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पी को मल्टीप्लाई करोगे आप बी से, ये बनेगा पी वी, फिर पी को आप बी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा पी बी, फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा ए बाई वी। अब आप कहोगे कैसे आया भाई, ए वी स्क्वायर को आप वी से मल्टीप्लाई करोगे तो वी से वी कट जाएगा, ए बाई वी बच जाएगा। अरे ए बाई वी बचेगा कि नहीं बचेगा, ए बाई वी स्क्वायर को आप मल्टीप्लाई करोगे वी से तो वी से वी कट जाएगा, आपके पास बचेगा ए बाई वी, और आपके पास यहाँ पर बचेगा ए बी अपॉन में वी स्क्वायर इक्वल टू आर टी। हाँ यहाँ पर यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है, कई लोगों ने पढ़ा होगा इसको, जो आइडियल इक्वेशन में आता है, और टी यहाँ पे टेम्परेचर है, लेकिन मैं यहाँ तक जाऊँगा ही नहीं। अब आप कहोगे सर ये तो गलत बात है सर, आप यहाँ भी जाओ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जब मेरा काम सीधी अंगुली से हो रहा है तो मैं टेढ़ी अंगुली क्यों करूँ, क्लियर सी बात है, टेढ़ी अंगुली क्यों करूँ, ठीक है। चलिए तो मैं बिना टेढ़ी अंगुली कर लेता हूँ, ठीक है, याद भी रहेगा। अरे भाई अंगुली करने की आदत नहीं है ना मेरी, यहाँ बहुत सारे होंगे जिनको अंगुली करने की आदत है, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं, तो देखिए मुझे ए और बी का चाहिए, तो मैं पहले इन दोनों को एक साथ ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसकी जो होगी वही इसकी होगी, इसकी भी होगी, इसकी भी होगी, इसकी भी होगी, सभी के पास एक ही यूनिट है, एक ही डायमेंशन है। तो मैं लिखूंगा पी वी इक्वस टू पी बी, इससे ये काट दिया, वी इक्वस टू हो जाएगा बी, वी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वॉल्यूम है यानी आयतन, मैंने लिखा नहीं, पी यहाँ पे प्रेशर है यानी दाब, ठीक है, और ए और बी कॉन्स्टेंट है, तो बी की जो यूनिट आएगी वो आएगी मीटर क्यूब, क्योंकि आयतन की यूनिट यही होती है, ठीक है भाई।
और आप यहाँ पे लिख सकते हैं m जीरो एल क्यूब टी जीरो, ये बन गई डायमेंशन p के। इसकी डायमेंशन हो गई b के, ठीक है। चलिए a की बात कर लेते हैं, बड़ा आसान सा सवाल है यार, a के लिए भी कर लेते हैं, पर क्यों माथा बच्ची करें। कहाँ से उठाए a, कहाँ से उठाए, कहाँ से उठाए a, कहाँ से उठाए a, यहीं से उठा लेते ना यार, इनको ले लेते हैं दोनों को। ये हो गया मेरे पास पी वी इक्वस टू ए बाई वी, ए इक्वस्ट हो गया पी वी स्क्वायर, ठीक है। ए पी को हम लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पी यानी दाब, दाब का मात्रक होता है पास्कल, पास्कल यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वी आयतन है, यहाँ पर है मीटर क्यूब और साथ में ऊपर स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ स्क्वायर। अरे आयतन का मात्रक यानी यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब, स्क्वायर है तो साथ में स्क्वायर भी। और ए क्वेश्चन हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू पावर पे पावर वैसे ही मल्टीप्लाई होती है, तो एम की पावर 6, इससे ये कट गया और ए क्वेश्चन हो गया एन एम की पावर 4। अरे भाई 6 में से 2 कट गई तो 4 बच गई ना। और कई बायो वालों को नहीं पता है तो ये भी देख लीजिए, घात पे घात गुणा होती है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो मेरे पास आ गया, ठीक है, 6 आ गया, ठीक है। अब देख लेते हैं यूनिट उठा के, ए क्वेश्चन इसको हम लिखेंगे के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 4 घात यहाँ पर भी है तो एम की पावर 4। और ए बराबर अब मेरे पास आ जाएगा, के जी को मैं लिखूंगा एम की पावर 1, मीटर मेरे पास 1 है, 1 के बाद 4 और है यानी मेरे पास हो जाएगा एल की पावर 5, ऊपर जाऊंगा टे की पावर बच जाएगी मेरे पास -2 और काम खत्म। और ए की यूनिट आ गई यहाँ पर, ए की यूनिट भी आ गई, ए की डायमेंशन भी आ गई, बी की भी आ गई, काम खत्म हो गया हमारा और हमें कोई जरूरत भी नहीं है। क्लियर है, कंप्लीट। एक बार और मैं देख लेता हूँ पी वी ए वी स्क्वायर, ठीक है यार, रटा हुआ तो मुझे भी नहीं है, देखो भाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो बस कॉन्सेप्ट क्लियर करके आगे एक प्रोग्राम चालू कर लेता हूँ। ये 6 है कट गए, 4 बच गए, न्यूटन के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है भाई, के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया और मीटर की पावर 4 हो गया। आप कहेंगे सर कितना टाइम खाते, अरे टाइम नहीं खा रहा, न्यूमेरिकल की पहली क्लास है इसलिए मुझे स्लो स्लो करना पड़ रहा है, अभी मैं फटाफट कर दूंगा 2 सेकंड में, अभी बताता हूँ, चलो अभी इस बात पे तो आई गई तो अभी फटाफट सवाल करना चालू कर दे तुम्हारे तरीके से भी और मेरे तरीके से भी। के जी मीटर हो गया ना ये काम करने, ठीक है, चलो चलो एक सवाल करते हैं अब तो, ठीक है। देखो कभी कभी आप फंडामेंटल क्वांटिटीज में भी, टाइम ज़्यादा हो गया, वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया तो मैं थोड़ा सा हिंट ही दूंगा, लेकिन याद रहूंगा, प्रॉमिस मेरा, अगली क्लास में पहले वही न्यूमेरिकल कराऊंगा। और कौन सा, मंत्र के साथ में, यानी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद किस तरह आपको अप्लाई करना है वो, और एक जो लंबा मेथड है वो, दोनों करवा के दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है, ठीक है। हम चाहे तो, जैसे मैंने फोर्स को बोला और फोर्स को मैंने लिख दिया m1 l1 t -2, इसमें मेरे पास आ गया kg मीटर और यहां पर आ गया सेकंड, तो मैंने जो फंडामेंटल क्वांटिटीज ली थी वो ली थी kg मीटर सेकंड, तीनों ली थी फंडामेंटल क्वांटिटीज। यदि मैं फोर्स को किसी और पदों में व्यक्त करना चाहूं, किसी और टर्म्स में मैं इसे लिखना चाहूं, तो उनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आप कहोगे सर ये तो 7 ही होती है, इसके अलावा आप एक्स्ट्रा क्यों लिख रहे, लिख सकते हैं क्योंकि इनमें जो भी है, हम जो भी नंबर लिखने वाले हैं, मान लो एक्स वाई जेड, अरे ये सब भी तो इन्हीं से मिलकर बनेंगे, एक्स वाई जेड जो भी डालेंगे, यहां मैंने डाल दिया एनर्जी का ई और वेट का डब्ल्यू और भी एनीथिंग कुछ भी डाल दिया, ग्रेविटेशन का जी, एनीथिंग। तो भाई एनर्जी के अंदर भी केजी मीटर सेकंड छिपा हुआ है, वेट में भी केजी मीटर पर सेकंड छिपा हुआ है और जी में भी केजी मीटर पर सेकंड, तो कहीं तो छिपा हुआ है, केजी मीटर पर सेकंड नहीं, सॉरी केजी मीटर और सेकंड छिपा हुआ है, एनर्जी में छिपा हुआ है, डब्ल्यू में भी छिपा हुआ है और जी में भी छिपा हुआ है। भाई वेट यानी भार, भार में भी केजी मीटर सेकंड तीनों आते हैं, जी में भी केजी मीटर सेकंड तीनों आते हैं और ई में भी केजी मीटर सेकंड तो आते ही आते हैं, यानी ये इसका बढ़ा हुआ रूप है। केजी मीटर और सेकंड को इकट्ठा करते करते मोटा सा कुछ बन जाएगा, उसको बोलेंगे एनर्जी, डब्ल्यू या जी, इनमें से कुछ भी। तो हम एफ को इनके पदों में भी व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक सवाल करवा देता हूँ मैं आपको, अब टाइम हो ही गया तो फिर क्यों ना आज मजा ले लिया जाए। चलो देखो, फोर्स, एक्सीलरेशन और टाइम, टाइम इनको मानना है फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज, फोर्स ए, एक्सीलरेशन है भाई, एरिया नहीं है, एक्सीलरेशन और टी का मैं यहां पे लेता, अरे क्या हो गया, इसको ले लेता हूं मैं टाइम। नीट का सवाल इस साल का 2021, ठीक है। चलिए नीट के सवाल की बात करते हैं, 4 नंबर का सवाल आया था अभी, मुझे यूनिट डायमेंशन या यूनिट जो भी निकालें, मुझे एनर्जी की चाहिए,
एनर्जी, एनर्जी चाहिए मुझे, कैसे निकालूं? थोड़ा सा देखो, मैं दोनों साइड के काम बताता हूं आपको, जो भी आपको आने वाले हैं। पहले मैं एनर्जी को एक कांस्टेंट लगाकर, अब कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, असलियत में एनर्जी जिन जिन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, एफ ए ओ टी पे कर रही है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक समानुपाती चिन्ह लगाते हैं, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाते हैं और यहाँ लिखते हैं एफ। अब एफ फॉर्मूले में किस में आएगा, स्क्वायर में आएगा, क्यूब में आएगा, तो मुझे पता नहीं, तो मैंने यहाँ लगा दिया ए। एक्सीलरेशन के ऊपर लगा देता हूँ मैं बी, और टाइम के ऊपर लगा देता हूँ मैं सी। मैं पूरा मेथड जो है 11th में हम पढ़ते हैं वैसे कर रहा हूँ अभी तो फिलहाल, ताकि एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ पे हम लगा देते हैं कांस्टेंट, यदि कांस्टेंट कुछ आता है तो बढ़िया बात है, नहीं आता है तो और भी बढ़िया बात है, ठीक है। जैसे मैं टाइम का फॉर्मूला बोलूँ तो टाइम का फॉर्मूला ये भी होता है पेंडुलम का, अब इसमें ये 2π कांस्टेंट है। जब आप आगे पढ़ते जाते तो आपको खुद ब खुद पता लगने लग जाएगा कि कौन से फॉर्मूले में क्या कांस्टेंट आने वाला है, ठीक है। चलिए भाई, तो यहाँ पर के की बात करें, फोर्स, फोर्स को मैं तीनों की डायमेंशन भी साथ में लिख देता हूँ। एनर्जी, एनर्जी को देखो मैं यहाँ बनाता हूँ, क्योंकि मेरे को एक एक खोल खोल कर लिखना होता है ना, आपको कईयों को पता नहीं होगा, इसलिए न्यूटन मीटर, क्योंकि एनर्जी होती है जूल, न्यूटन को लिखना होगा m1 l1 t-2, मीटर को लिखना होगा l1, तो हम लिखेंगे m1 l2 t-2। देखो समझ में आ गया, m1 l1 t-2 न्यूटन की डायमेंशन है, मीटर जो है मीटर की डायमेंशन, हम यहाँ l1 लिख सकते हैं, m1 l2 1 और 1 2 हो गए ना भाई, और t-2 ये हो गया, तो मैं तो लिख देता हूँ m1 l2 t-2। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के मैं कांस्टेंट लिख देता हूँ, किया जाएगा। अब k के भी वैल्यू में फिलहाल उड़ा देता हूँ कि कुछ नहीं है, एक है, अपने हिसाब से मान ली, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो भी ऑप्शनल सवाल जब आते हैं तो आप ऑप्शन देख लो कि वहाँ पे क्या है, तो इसमें जो ऑप्शन था जो मैंने यहाँ लिखा नहीं है उसमें कांस्टेंट कुछ दे नहीं रखा था, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 मान के उसको गायब कर दिया। अब आपके पास फोर्स है, फोर्स को आप लिख सकते हो m1 l1 t-2, आपके पास आएगा a। एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन यानी होता है त्वरण, त्वरण यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, m0 l1 t-2। अब याद करो भाई, अब की बार नहीं बताऊंगा, खुद पढ़ोगे तब आएगा। और टाइम को हम लिख सकते हैं t केवल, और यहाँ पे हो गया c। अब बाकी m और l कहाँ गए, वो जीरो हो गए ना, इसलिए लिखा नहीं यहाँ पर। सेकंड एक है तो एक ही लिख दिया, t की जगह t, क्योंकि t यहाँ पर जो टाइम है वो भी एक पावर में दे रखा है मुझे। मैंने लिखा दिया m1 l2 t-2। यहाँ देखो भाई, मल्टीप्लाई करो, सबसे पहले m को इकट्ठा कर लो, तो मैं m को इकट्ठा कर लेता हूँ। a से मल्टीप्लाई करोगे तो a, अरे जब आधार समान होते हैं, बेस सेम होता है, तो पावर्स ऐड हो जाती है भाई, घाते जुड़ जाती है तो जोड़ देंगे। एक को एक से मल्टीप्लाई किया, एक आया। b को यहाँ जीरो से मल्टीप्लाई करोगे, जीरो आएगा, और यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर भी जीरो ही है, ठीक है भाई। फिर उठाओ l, a की जो डायमेंशन है, जो भी ऊपर लगी हुई है पावर, उससे मल्टीप्लाई कर दो। a को मल्टीप्लाई किया हमने, l के ऊपर 1 है उससे, तो यहाँ पर a बना। b को 1 से मल्टीप्लाई किया तो b बना, और यहाँ पर c तो है नहीं तो प्लस जीरो बना। और साथ में मैं t भी लिख देता हूँ, इसके बाद t है माइनस का 2a आएगा, मैं इसको थोड़ा इधर लिख हटा देता हूँ, तो आपको पता ही लग गया होगा क्या है, कहाँ थे हम, इधर थे। इसको 2 को a से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 2 आया, b से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2 भी आया, c से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का c आया। प्लस का क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मैंने 1 पावर ले रखी है, ठीक है। अब नियम यह कहता है कि जो इधर है वही इधर होना चाहिए, यानी m इधर है a, तो m इधर है 1, तो ये बराबर होना चाहिए, तो a बराबर हो गया 1, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। l की बात करें तो यहाँ a प्लस b है, यहाँ पे 2 है, इधर देखो 2 है, a जो है वो है 1, b जो है वो है यहाँ पर निकालना है और 2 है, तो b की वैल्यू ऑटोमेटिक हो गई 1, a भी 1 b भी 1, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। इधर और देख कर चेक कर लेते हैं, तो इधर आया मेरे पास माइनस का 2a, माइनस का 2b, प्लस का c, इधर t की पावर है आपके पास माइनस 2, अच्छा ये पावर है भाई, ये पावर है माइनस 2, न्यूटन मीटर m1 l1 t-2 और एक मीटर l2, ठीक है भाई। चलो यहाँ से बात करें तो यहाँ पर आएगा माइनस का 2, a जो है उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1, b जो है वो भी है 1, और c की जगह मैं लिखूँगा c इक्वल्स टू माइनस 2, सिंपल सी बात है। माइनस टू कट गए, मेरे पास बचा माइनस 2 प्लस c इक्वल्स टू 0, c इक्वल्स टू ऑटोमेटिक बच गया 2, इधर गया ना, ये हो गया। और अब ये फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा एनर्जी इक्वल्स टू फोर्स एक्सीलरेशन एंड टी। फोर्स के ऊपर पावर है ए,
तो ए अलग अलग ले लो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पर लेता हूँ, या एक साथ लिख लो तो भी दिक्कत नहीं। एफ के ऊपर पावर है ए और ए की वैल्यू है वन, तो मैंने लिख दी वन। ए के ऊपर पावर है बी, बी की भी वैल्यू आई है वन, तो मैंने लिख दी वन। और टी यहाँ पर है सी, पावर सी है टी के ऊपर, और यहाँ पर है टू, तो मैंने लिख दी टू। और ये आपका एनर्जी का फॉर्मूला फोर्स एक्सीलरेशन एंड टाइम के रेस्पेक्ट में उनके फॉर्म में आ चुका है। यदि आप एफ ए और टी को एज ए डायमेंशन फॉर्मूले में यूज करना चाहे एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, तो आप यहाँ पे इस तरह से फॉर्मूला बनाएंगे, और ये आपके ऑप्शन में है, तो आप टिक मार के सही आंसर करेंगे। यदि आपके पास मूल राशियां एफ ए और टी मानी जाए, तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला वी में सूत्र ये हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है, याद रहेगा, ठीक है। चलिए भाई अब अपना तरीका दोहराते हैं, अपना तरीका। ये तो है इतना बड़ा, समझ आया ना, अब ये मत सुनना इतना बड़ा है। जब आपकी आदत पड़ जाएगी ना, तो आप खुद ब खुद फटाफट करने लग जाएंगे, क्योंकि स्टेप खाने लग जाएंगे। कई जगह शॉर्टकट रास्ता अपनाना गलत बात होती है, क्योंकि शॉर्टकट तब हमें बहुत प्रॉब्लम्स देता है, और शॉर्टकट तब तक नहीं अपनाना चाहिए जब तक कि आपके हाथ किसी भी चीज़ पर परफेक्ट ना हो जाए। अरे आप उसमें परफेक्ट नहीं बन जाते तब तक आप मत अपनाओ उस चीज़ को, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये चीज़ लगी ना, एनर्जी चाहिए ना मुझे, एफ ए और टी, ये तीनों चीज़ें ना, एफ आता है न्यूटन में, ए आता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, टी आता है सेकेंड में। अब फटाफट करते हैं, देखो फटाफट चुटकी बजाते ही करेंगे। हमें चाहिए जूल, जूल यानी हमें चाहिए न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर चाहिए, तो न्यूटन तो मेरे पास पहले से प्रेजेंट है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एफ न्यूटन मीटर, एक पावर में डाल देता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है मुझे, ठीक है, मेरे पास एनर्जी आ जाएगी। अभी देखो मीटर चाहिए मुझे, क्या चाहिए, मीटर। इस चीज़ को उठा के देखो, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। यदि मैं इसको सेकंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो सेकंड स्क्वायर कटेगा, मेरे पास बचेगा मीटर, यानी मीटर बच जाएगा, यानी मुझे एरिया को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टाइम से, सॉरी एरिया नहीं है रे, एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन यानी त्वरण, त्वरण को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टाइम से। कभी कभी बोल देता हूँ, आज सुबह से एरिया के सवाल करवाया जा रहा था मैं, इसलिए एरिया निकल गया, ठीक है। एक्सीलरेशन को मल्टीप्लाई करूंगा मैं टाइम से, तो देखो यहाँ पे पावर वन है, यहाँ पे पावर टू है, अरे भाई टी स्क्वायर ही तो करूंगा, नहीं आया समझ में, चलो दोबारा बात करते हैं। एरिया फिर देखो, रे बाप रे क्या होगा रे विष्णु, क्या होगा, एरिया नहीं रे त्वरण, एक्सीलरेशन, पांच बार बोलूंगा तब जाके आएगा एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम की होती है सेकंड, यदि एक लोगे तो एक सेकंड, लेकिन मुझे सेकंड स्क्वायर उड़ाना है तो मुझे टाइम का स्क्वायर करना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे स्क्वायर हो जाए और यहाँ से यहाँ कर जाए, मेरे पास मीटर बच जाए। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एफ की पावर एक, एक्सीलरेशन की पावर एक, और मेरे पास बचा टाइम, तो टाइम की पावर मुझे कितनी रखनी पड़ेगी, दो रखनी पड़ेगी, तब जाके सॉल्व हो जाएगा। तो एफ वन ए वन टी माइनस टू, खुद देख लो यार क्या आया, देखो एफ वन ए वन टी माइनस टू क्या आया, ये तो आया, लेकिन ये हाथ तब बैठेगा आपका जब आपको एक बार ढंग से पूरा समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट पकड़ में आ जाए, आपको ये पता लग जाए कि भाई साहब कहानी किधर जा रही है, कौन सी करवट ऊंट बदलेगा। पढ़िए ना, हिंदी में भी मैंने कहानी पढ़ी थी पहले, ऊंट करवट बदलता है ऐसा कर, कुछ था ऐसा करके, तो कौन सी करवट ऊंट बदलेगा। यदि हमें पहले से पता है तो हम ऊंट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब कहोगे ऊंट कहाँ से आ गया, अरे ऊंट नहीं आए रे, अपनी ऊंट जैसी बुद्धि को दोहराना चालू करो, तेज दिमाग लगाओ, लेकिन उसके लिए पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ठीक है। अच्छे बच्चे हो, बड़े प्यारे बच्चे हो, अच्छे अच्छे भाई है मेरे, दीदियाँ भी है कहीं, अजमल कहना सर भाइयों के नाम लें, दीदियाँ भी हैं, ठीक है, बट पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कॉन्सेप्ट क्लियर, फिर उसके बाद आप इतना बड़ा भी मैंने करवाया वैसे करने की जरूरत नहीं, फटाफट चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए इससे से रिलेटेड एक दो अच्छे अच्छे बड़े शानदार और धांसू में न्यूमेरिकल है, बट टाइम नहीं है, टाइम हो चुका है, लंबी क्लास हो गई है, ठीक है। नेट भी इतना ही मिलता है मेरे को, क्या करूं, 2 GB मिलता है, 2 GB को अपलोड करने में चला जाता है, इधर उधर से हॉटस्पॉट लेके अपलोड करना पड़ता है वीडियो, क्या किया जाए। अब तुम लाइक और शेयर तो करते नहीं हो, आगे भेजते नहीं हो, फिर मज़ा भी नहीं आता है कि चलो कैसे जैसे करके अलग से रिचार्ज करवाए 4-5 GB वाला, आजकल रिचार्ज वैसे महंगे हो गए, समझिए भाई, मज़ा आया है ना, लगा है कि नहीं। अब हम इस टाइप के सवाल कर लेंगे, इस टाइप की ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट जो है वो और बताने वाला हूं मैं, तो वहां पे और काम करेंगे हम, इस चीज पे मंत्र दूंगा मंत्र, लेकिन उससे पहले मंत्र लेने से पहले थोड़ी तपस्या तो करो, ठीक है, थोड़ा समझो तो सही बात है क्या, कहानी है क्या। तो यदि आपको लगा है कि मजा आ रहा है, एंजॉय किया है, अच्छा लगा है, न्यूमेरिकल बन जाएंगे, तो अपनी जो भी टेक्स्ट बुक है उन वहां से सॉल्व करिए इस टाइप के न्यूमेरिकल, अपना हाथ परफेक्ट बैठा लीजिए आज ही अभी, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट एकदम मजबूत हो जाए, ताकि एग्जाम में जाकर बस फाड़ना है, ठीक है। मज़ा आया तो फिर लाइक कर देना,
शेयर तो करना ही करना है आपको, देख लेना अपने हिसाब से सब्सक्राइब की आपकी इच्छा है, ठीक है। अदरवाइज आपको जो भी बात करनी है मन की बात विष्णु सर के साथ, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं जिसका लिंक मैंने आपके डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप आराम से डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से आप लिंक देख लीजिए और वहां से मुझसे जुड़ जाइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट सवाल के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के साथ, इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे कुछ नए शानदार धमाकेदार सवाल के साथ और खतरनाक चीज मंत्र के साथ, ठीक है, जिससे हमें मिल जाए सिद्धि। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।